मौजूद है नरेला के NH-44 रोड के पास, जहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर एक ऐसा पार्क बनाया गया है जो कि नरेला के अधीन आता है। ऐसे में आपको बता दें कि इस पार्क का नाम कैक्स गार्डन रखा गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस पार्क की खासियत जो है, यहाँ पर 250 से भी ज़्यादा प्रजातियों के जो पेड़ हैं वो लगाए गए। ऐसे में आपको पार्क की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि इस तरह जो पार्क है आप इसको देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर ये पार्क बनाया गया है। ये केवल NH-44 के बिल्कुल साथ में ही पार्क है, लेकिन इस पार्क की आपको खासियत बता दें कि ये एक पिकनिक पार्क भी है। साथ ही साथ ऐसे में जो आसपास के जो लोग हैं, जो स्थानीय जो लोग हैं, वो भी यहाँ पर इस पार्क में घूमने के लिए आ सकते हैं। और जो रोड पर जो व्यक्ति जा रहे हैं, NH-44 साथ में ही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति यदि इस रोड से जाता है, यदि कोई रुकना चाहता है तो वहाँ पर इस पार्क में आकर वो थोड़ा घूम सकता है, थोड़ा टहल सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बावजूद आदमी अपनी थकान जरूर उतारता है। लेकिन यहाँ पर इस पार्क को DDA के अधीन द्वारा बनाया गया है। इस पार्क में काफ़ी सुंदर सुंदर जो पेड़ है, काफ़ी जो पेड़ है उनकी कई प्रजातियाँ हैं, उस तरह के जो पेड़ है वो यहाँ पर लगाए गए। पर आपने पार्क तो देखे होंगे, लेकिन इस पार्क की खासियत यही है कि इसमें 250 से भी ज़्यादा प्रजातियों के जो पेड़ है वो लगाए गए। काफ़ी सुंदर ये पार्क है, काफ़ी हरा भरा पेड़ ये नज़र आएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल पतझड़ का भी मौसम है और पेड़ भी जो है लगाए गए अभी फ़िलहाल। यहाँ पर तमाम आला अधिकारी यहाँ पर इस पार्क का भी मुआयना करने के लिए आए थे और देखने के लिए आए थे कि कितना सुंदर ये पार्क बनाया गया है। ऐसे में लगातार नरेला की जनता है वो इस पार्क में घूम सकेगी। लेकिन आपको बता दें कि ये पार्क फ़िलहाल टिकरी जो मंडी है उससे केवल कुछ ही दूरी पर इस पार्क को बनाया गया है। एक बार जरूर आप इस पार्क में जरूर घूमने के लिए आए। दिल्ली से AY मीडिया के लिए दूसरे की रिपोर्ट।